मुझे उस दिन भी तकलीफ थी और आज भी तकलीफ है कि जो आदमी जिंदगी भर ये स्पिरिटों के लिए लड़ा हो, ये स्पिरिटों के लिए संघर्ष करा हो और लोगों को इलाज दिलाने के लिए दर दर भटका हो, उसको उसी के इलाके में इलाज के लिए परेशान होना पड़ा, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हम लोगों के लिए नहीं है। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया कि भोपाल का ढांचा इन अस्पतालों का ठीक करें, ये गैर मुनासिब है। मैं चाहता हूं कि सरकार अगर वास्तव में जब्बार भाई को श्रद्धांजलि देना चाहती है तो तत्काल इन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करे। हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और अगर कमी है तो उसको भी पूरी की जाएगी। जब हम दीगर खर्चों में पैसा खर्च कर सकती है सरकार, तो स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी है और उसके लिए उनको करना चाहिए और करेगी। आप मुतमईन रहिए, ये ना सोचे कि सरकार आपके बीच नहीं है, क्योंकि आपकी बनाई हुई सरकार है, आपकी सरकार है, आप ही ने हम लोगों को भेजा है। तो इंशाल्लाह ये काम भी पूरा होगा, जो कमियां रही हैं उसके हिसाब से उस तरफ भी कदम उठाया जाएगा। और दिग्विजय सिंह जी खुद ही शायद इसमें एक जांच भी, मुझे जहां तक पता चला है कि इस पर कुछ संगठनों ने लिखकर दिया है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा काम भी होने वाला है। मैं आप सबको यही यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जब्बार भाई के जितने छोड़े हुए काम हैं उनके संगठन को मजबूत करने के लिए जो मुझसे बन सकेगा एक बेटे के रूप में करूंगा। खुदा हाफिज़।